क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एटीपी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता है, तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो इस रिएक्शन में मैक्सिमम एनर्जी किसमें मिलेगी, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इथेनॉल में, इथेनॉल जो बनता है उसमें भी नहीं मिलेगी। लैक्टिक एसिड जो है मसल क्रैम यानी कि लेस ऑक्सीजन में जो हो रहा है उसमें मैक्सिमम एनर्जी हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, कार्बन डाइऑक्साइड का जब सिंथेसिस होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कौन से एक्शन से पूरे ब्लड में, बॉडी पार्ट्स में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाता है पूरे बॉडी पार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन से प्रोसेस से या कौन से एक्शन से हट के ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि द लंग्स, यहाँ पे हमको देखना है कि हमें अपने हार्ट को एक स्क्वायर के रूप में मान लेना है और उसको प्लस ऐसे, तो जिस जैसे इस डायग्राम बना हुआ है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, हमें लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, जो भी लंग्स से आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, और वो फिर वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहां से बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है उसमें CO2 ऐड हो जाएगी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, और वहां से फिर राइट एट्रियम में आके वेंट्रिकल से जाके फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स से जाएगा, और वहां से CO2 जो है वो वापस बाहर के थ्रू निकाल दी जाएगी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पिचकेगी, यानी कि ये पिचकेगी तो ब्लड को बाहर की तरफ भेजेगी, और जब इसमें ब्लड एंटर होता है तो ये रिलैक्स होती है, खुल जाती है इसमें ब्लड को जगह बनाने के लिए। तो यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये भी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोर्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हर्बीवोर्स की एक हैबिट होती है, क्या करते हैं वो, कट बनता है उनमें, कट होता है और उसको कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी वो जो जुगाली करते हैं उसके लिए वर्ड है रूमिनेशन, इसलिए हर्बीवोर्स को रूमिनेंट्स भी कहा जाता है, ये NCERT क्लास 7th में हमने पढ़ा। तो रूमिनेंट्स रूमिनेशन करते हैं, और इसी के साथ उनकी एक और बात होती है कि उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, क्योंकि उसमें सेलुलोज के डाइजेशन के लिए स्पेशल बैक्टीरिया, तो लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, there was a cerebellar dysfunction in a patient, which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this, salivation, hunger control, posture and balance, and regulation of blood pressure. There was a cerebellar dysfunction in a patient, yani ki cerebellum mein kuch malfunctioning hui, dysfunction hua hai patient ke andar, so kaun si activity uski इंटरप्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पोस्चर एंड बैलेंस, करेक्ट आंसर इज पोस्चर एंड बैलेंस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एक बुक में, टेक्स्ट बुक में, कि पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो हमारा आंसर देते हैं सेरिबेलम। क्वेश्चन सेरिबेलम, क्वेश्चन नंबर 12,